नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के दूसरे वीडियो में। अभी हम आए जंगल सफारी, जो भी विजिट करने लायक प्लेस है ना, उसमें ये दूसरे नंबर पे। पहला तो ऐसा जो स्टेच्यू है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, और दूसरा अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और अलग अलग कंट्री से लाए हुए एनिमल है। तो चलिए विजिट करते हैं, क्या क्या है क्या नहीं। और यहाँ का 200 रुपये टिकट है, हमने आगे से ऑलरेडी टिकट ले लिया था, पर आप अगर चाहो तो यहाँ अंदर से भी टिकट ले सकते हो। और आप देख सकते हैं ये बस आया है, जो भी पिकअप ड्रॉप है ना फैसिलिटी, वो आपको यहाँ उतारेगी। तो यहाँ ऐसा घूमने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस की फैसिलिटी हर जगह अच्छी अवेलेबल है। तो चलिए सफ़र करते हैं। ये देखिए, आपको ऐसे गोल्फ कार्ट मिल जाएगी, उसमें बैठिए और सफ़र करिए। और ये देखिए, थोड़ा ही आगे जाते हुए गेंडा है, राइनो, बच्चा और उसकी माँ है, राइनो। देखिए देखिए, जो गुजराती में साबर बोलते हैं, हिरन की एक प्रजाति है, बारासिंगा जो बोलो ना। ये इस साइड अगर आपको दिख रहे हो ना, तो ये वाइट हिरन है। देखिए बच्चों को बड़ा मजा आएगा भाई, बहुत ही मस्त सफारी है ये। ये देखिए, पूरा जो सेक्शन है ना वो हिरन का है। तो अलग अलग टाइप के जितने भी स्पीसीज है ना हिरन की, वो सारी यहाँ ऑलमोस्ट रखी गई है। ये ब्लैक बर्ड है। ये देखिए, अभी जो अफ्रीकन भैंसे बोलते हैं ना, गोर या गोर, ये देखिए बहुत ही यूनिक और अलग अलग एनिमल रखे हैं यहाँ पे भाई। ये देखिए, पेड़ पौधों से दीवार बनी है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये। देखिए एक यूनिक व्यू है भाई ये। और देखिए ऐसे गोल्फ कार्ट है ना, वो हर 5-10 मिनट में चालू ही है, तो आप उसमें बैठ के आराम से सफर कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है टर्टल, इसको भारतीय स्टार कछुआ बोलते हैं, जो भी सन कछुआ बोलते हैं ना, ये वो है। ये देखिए, कछुए की एक और स्पीसीज है, रेड ईयर्ड स्लाइडर। ये देखिए ऐसे जैसे फोटो में है ना, वैसे ये सिर ऊपर करके बैठे हुए है। देखो अगर आपको दिख रहा हो तो, ये देखिए है कोबरा, ये जो पेड़ है ना उसकी तने पे बैठा हुआ है, वो आपको नहीं दिखेगा अभी, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है ना लाइट का, बाकी डेंजर है बहुत ही। ये देखिए, ये है ग्रीन इगुआना, देखो ये कितने बड़े हैं। ये इंडियन रेड स्नेक है, हमने पूरे इस पिंजरे में ढूंढ लिया, पर देखिए कहाँ जाके मिला हमें, ये जो बोर्ड है ना उसके पास में ही, देखो। तो ऐसा ही है भाई साहब का, नजर नहीं आता, ये मिल जाता है पूरा, इसमें घुल मिल जाएगा ये। देखिए पूरा ना ऐसे अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही वेल मेंटेन जगह है ये, तो पर्टिकुलर बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये जगह। ये देखिए, ये है रसल वाइपर, देखो आप, और अंदर इतना जो है ना पूरा जंगल जैसा ही बनाया है, तो उसमें ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है सांपों को।
ये है इंडियन रॉक पाइथन। देखिए वो जो पेड़ का तना है ना टूटा हुआ, उसके सामने ऊपर बैठा हुआ ही है। देखिए अभी व्हाइट टाइगर है और ये बच्चे आए हुए स्कूल के, तो देखो ये देखिए व्हाइट लायन है, आपको दिख रहा हूँ ना, ये जो पेड़ का तना है उसके पीछे की साइड आराम कर रहा है। अभी दोपहर का टाइम है तो गर्मी है तो रेस्ट करते हैं छाव में, पर अच्छा पूरा बनाया हुआ है। ये देखिए अगर आपको दिखे ना ये जो पाइप पड़ा है ना वो, और हाँ देखिए वो बीच में है वो। देखिए अभी ये है जेगुआर का केज है, इसमें अगर आपको नीचे दिख रहा हो ना तो जेगुआर भी है और ब्लैक पैंथर भी है, ये जो बनाया है ना उसके नीचे वो रेस्ट कर रहे हैं अभी। ये देखिए पूरा जंगल जैसा है, सही में वैसा वसूल जगह है ये। ये देखिए बाजू के केज में है ना, ये ब्लैक पैंथर है दिख रहा हो आपको तो। अरे बच्चे आगे तो थोड़ा आवाज हो रहा है, ये सो रहा है और एक इसके पीछे भी सो रहा है। ये देखिए एशियाटिक लायन है, ये बड़ा वाला है वो सो रहा है और ये बच्चे दो है वो जग रहे। देखिए ऑल ओवर है ना बहुत ही अच्छे। ये देखिए उसकी मम्मी जो फेस दिख रहा हो ना, हाँ ये बच्चा है जो बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन और बड़े पिंजरे है तो एनिमल्स को भी थोड़ा सही रहेगा। छोटे छोटे ये देखिए आप कितना बड़ा पिंजरा है ये। ये देखिए लकड़ियों को कट करके अच्छे से शेप में इकट्ठा करके ये शेर का आकृति बनाया है। अब ये देखिए ये है यमू का सेक्शन, देखो देखिए ये है हिपोपोटेमस जो कि गर्मियों में पानी में रेस्ट कर रहा है। अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा उसका शरीर बाहर दिख रहा है, एक से एक अलग अलग यूनिक एनिमल है यहाँ पे। ये देखिए ये है साउथ अमेरिकन कोआटी, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ड्यूल इमेज बन रही है, ये भी देखने लायक है। ये देखिए अभी ये बर्ड सेक्शन है, पूरा जो दिख रहा है ना वो बड़ा सा डोम बना है तो आप भी अंदर जा सकते हो और उसमें पंछी भी अंदर ही है। आज थोड़ा भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पॉसिबल नहीं है हाथ पे बैठे, वरना अगर कम भीड़ हो तो वो आपके हाथ पे भी बैठेंगे। चलो देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। ये देखिए यहाँ पंछी और हम दोनों एक साथ में हुए। ये देखिए आप नीचे कोई केज नहीं है, देखो ये देखिए ये ऑस्ट्रेलियन पैरोट है, मकाऊ बोलते हैं ना जो, देखो। और आवाज सुनो, मैं अभी चुप हो जाता हूँ, आवाज सुनो। ये केज में ना एक अलग एक्सपीरियंस है, हमने क्या ऑलरेडी अलग केज में ही देखे पंछी, पर ये एक अलग और यूनिक थीम है। ये देखिए जो काले हंस बोलते हैं ना ब्लैक स्वान, ये है पूरे, देखो ये।
सही में अगर आप स्टेच्यू आते हो ना और टाइम हो ना तो ये जगह का विजिट जरूर करिएगा। एक और पंछी है देखो इतनी नजदीक से, सही में एक अलग ही थीम है और मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। ये देखिए इसका नाम तो मुझे नहीं पता है पर ये डांसिंग बर्ड बोल रहा हूँ मैं इसको, ये बहुत ही अच्छा डांस करता है ये। ये देखिए कुछ अलग ही है पंछी, नाम नहीं पता है पर बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए ये है जिराफ, और ये जो विल्डबीस्ट बोलते हैं ना वो है, और उसके आगे जिब्रा है, उसका थोड़ा क्लोज व्यू लेता हूँ अभी। भैया बैठे तो तुम्हारे साथी थे स्टार्टिंग में, फिर गाड़ी में से तो क्या गाड़ी यहीं तक आती है अपन? गोल्डन बेट टैमरिन जो पायरेट ऑफ द कैरेबियन मूवी में दिखाया है ना ये वो वाला है, देखो। ये देखिए एक जगह पे ऐसे ऊपर बना हुआ है, वहां से दिखेगा ये सामने स्टैचू दिख रहा है, और ऑलमोस्ट यहाँ से पूरा जो भी जंगल सफर है ना उसका व्यू आपको मिलेगा। देखो ये ऑल ओवर देखो ना तो 200 रुपये टिकट है इसका, पर पैसा वसूल है, ये टिकट लेके आप बच्चों और बड़ों दोनों को मजा आएगा। और ये देखिए ऐसे डोम भी बने हैं, छाँव में आप आराम से थोड़ा थके हो तो रेस्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए जंगल सफारी में बाहर निकलते हुए ना जो सामने दिख रहा है ना ऐसे डोम बने हैं, और वहीं पे ही वाड़ीलाल होनेस्ट और कॉफ़ी शॉप भी है, तो वहाँ आपको चाय नाश्ता और ठंडा जो भी आप खाना पीना चाहो ना तो मिल जाएगा। और इतना चलने के बाद भूख तो लगेगी ही, तो खाने पीने के लेके यहाँ कोई इश्यू नहीं है। ऐसे पूरे जो भी है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वहाँ आपको खाना पीना नाश्ता ईजिली अवेलेबल है, और व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और ऑल ओवर देखा तो यहाँ से 2 से 2.5 घंटे लगेंगे आपको, और अगर बड़े हो जिसको चलने में तकलीफ है ना तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा, हो सकता था आप गोल्फ कार्ट में बैठिए क्योंकि यहाँ चलना बहुत है, हम भी थोड़े थक गए हैं, पर बच्चों को बड़ा ही मज़ा आएगा। अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से एनिमल ला के यहाँ रखे हुए हैं, तो जो भी टिकट है वो वर्थ है, 200 रुपये इतना जो भी है देखने के लायक उसके हिसाब से कम्प्लीट है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे बहुत जल्द नई जगह नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार, आओ जो टाटा सी यू बाय बाय, जय हिंद।